ये बहुत बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी है और बहुत बड़ा अटैक है। इनको जाट से उखाड़ना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से इन पर काबू पाना होगा? ये मीडिया में नहीं हम बात कर सकते, अब हमारे इनके ऑफिसर्स इसको जरूर रणनीति बनाकर इसका मुकाबला करेंगे। क्या क्या आप ये हमारे दर्शकों के लिए समझा सकते हैं कि ये जो फिदायन अटैक प्लान किया जाता है, या ये जो अभी अभी हम ये ताजा अटैक देख रहे हैं, ये किस तरह से प्लान किया जाता है, या अभी तक जो भी आपको डिटेल्स मिल पाई हैं इस पूरे अटैक के बारे में, आपकी अपनी समझ और क्या कहती है इस पूरे अटैक के बारे में? ये इसमें एक बहुत प्लानिंग जाती है, इसमें पूरा पैटर्न को स्टडी किया जाता है, उसके बाद इसमें पूरा लिया जाता है कि किस तरह से कहाँ कब ये अटैक एग्जीक्यूट करना है, और उसका सही समय चुना जाता है, उसकी सही जगह चुनी जाती है। और अगर ये आत्मघाती हमला है तो ये मेरे ख्याल अपनी किस्म का एक नया ही ट्रेंड होगा कश्मीर में। सर, इस इलाके के बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी हमें दे सके, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सके, क्योंकि हमारे संवाददाता ये जानकारी देते हैं ये पूरा कुल 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच है, जिसे सैनिटाइज करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो घात लगा रहा है वो किसी भी वक्त प्लान कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 300 किलोमीटर में से जम्मू से जवाहर टनल तक लगभग कोई 200 किलोमीटर निकल जाता है, उसमें जब जवाहर टनल को क्रॉस करके एंटर करते हैं कश्मीर वैली में, तो उसके बाद वो साउथ कश्मीर आता है, जो सबसे सीरियसली इफेक्टेड इलाका है कश्मीर का, और ये वहाँ से जवाहर टनल से श्रीनगर तक मोस्ट वल्नरेबल इलाका है, जहाँ आईडी का खतरा रहता है। फिर भी वहाँ खासखा हाईवे बनने से ये काफ़ी इसमें हमें उसका फायदा हुआ था, क्योंकि उसके आगे पीछे इतना बिल्ट अप एरिया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने इसका अच्छी तरह से प्लानिंग की होगी और एग्जैक्ट जगह चुनी होगी जहां इस हमले को एग्जीक्यूट किया है।